हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फूड कस्टर्ड। उसके लिए मैंने यहाँ आधा लीटर दूध लिया है। ये बॉइल्ड दूध है, कुछ मैंने पहले ठंडा निकाल लिया है आधा कटोरी। इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर घोलूँगी। दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर घोल लेंगे हम यहाँ। कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए गर्म या गुनगुने दूध का यूज़ नहीं करेंगे हम, ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर को घोलेंगे। दूध में उबाल आ गया, हम अपने कस्टर्ड पाउडर को डाल देंगे जो हम घोल के रखे थे, और इसको डाल के कंटिन्यू हमको चलाते रहना है, जैसे ये नीचे से लगे ना और इसमें लम्स ना आए। आठ से दस मिनट के लिए पकाएंगे हम इसको लो मीडियम फ्लेम में ही। हम इसमें चार चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है। कस्टर्ड हमारा पक गया है, हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने फ्रूट्स भी कट कर लिए। यहाँ लिया है ग्रेप्स, थोड़ा सा बनाना और मैंगोस। आपको जो फ्रूट्स पसंद है आप अपने पसंद का कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। हम कस्टर्ड बाउल में सर्व कर लिए हैं, अब हम इसमें अपना फ्रूट्स डाल देंगे। हम कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में 2 से 4 घंटे के लिए। अभी हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया, अब हम बाउल में सर्व कर लेंगे इसको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।